31 अक्टूबर को देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस प्रार्थना सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी तक शामिल हुई। इस बीच सभा में अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली। वो घटना क्या थी उसे जानने से पहले आपको उस घटना की मेन किरदार से रूबरू करा देते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की प्रार्थना सभा में खड़गे के साथ वाली कुर्सी पर एक बुजुर्ग महिला नेता बैठी थी। ये महिला नेता कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल मोहसिना किदवई हैं। मोहसिना किदवई इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। दरअसल कल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान मोहसिना किदवई को अचानक से हल्की खांसी हुई, जिसके बाद सोनिया गांधी तुरंत अपनी जगह से उठकर उनके पास गई और उनका हाल चाल पूछने लगी। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी तुरंत अपनी जेब से एक गोली निकालकर मोहसिना किदवई को देते हैं, जिसके बाद उन्हें आराम मिलता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर अलका लांबा ने वीडियो के साथ इस वाक्य का जिक्र करते हुए लिखा, कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहसिना किदवई को प्रार्थना सभा के दौरान हल्की सी खांसी हुई। सोनिया गांधी ने उठकर उनके पास जाकर उनका हाल जाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी जेब से तुरंत एक गोली निकालकर उन्हें दी। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी उनके पास जाकर हालचाल पूछते दिखे। ऐसा है हमारा कांग्रेस का परिवार, जिसमें अपनापन है, एक दूसरे की कद्र है, परवाह है, एक दूसरे की इज्जत है। अलका लांबा के ट्वीट के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर सियासी गलियारों में इस घटना की खूब चर्चा है।